व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर ऋतिक मेघवानी। आज का जो वीडियो है यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। यार आज मैं पांच ऐसी चीजों के ऊपर बात करूंगा जो कि यार कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले हर बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए। तो यार वीडियो को स्टार्ट कर। पॉइंट वन जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। यार अगर आप किसी भी कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो यार उस पर 100% बिलीव नहीं कीजिएगा। क्योंकि यार क्या रहता है कि वो कॉलेज अपना हाईएस्ट पैकेज दिखाता है, और यार हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो यार वो ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे को मिले। तो यार मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले यार मैंने एक यूनिवर्सिटी में कॉल किया था। मैंने उनसे पूछा था आपकी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज कितना है, तो यार वहाँ से आंसर आया था हमारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 37 लाख है। देन मैंने आगे पूछा तो कितने बच्चों को आपका हाईएस्ट पैकेज मिला है, तो यार वहाँ से कोई आंसर नहीं आता है 10 से 15 सेकंड तक। देन उसके बाद आंसर आता है कि यार अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अगर आप अच्छे बच्चे नहीं हैं तो आपको एवरेज पैकेज मिलेगा। मैंने कहा बात सही है, लेकिन यार काफ़ी बच्चों को ये बात पता नहीं होता है कि यार हाईएस्ट पैकेज जो ये लोग बताते हैं वो बहुत कम बच्चों को मिलता है, और उनकी स्टूडेंट इनटेक की बात हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यार इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप किसी कॉलेज की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होता है वो प्लेसमेंट। तो यार अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू जो कि हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज। यार काफ़ी बच्चे हाईएस्ट पैकेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो सर्च करते हैं इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज कितना है, इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज कितना है। तो यार आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको देखना है कि उस यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज कितना है, क्योंकि एवरेज पैकेज से वो यूनिवर्सिटी डिफाइन होती है कि वो कितनी अच्छी है। हाईएस्ट पैकेज यार कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी का एक बच्चा ऐसा होता है जो कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेस हो जाता है। आपको ध्यान देना है एवरेज पैकेज कितना है, क्योंकि उसी से एक यूनिवर्सिटी अच्छी कहलाती है। अब यार बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री जो कि है स्टूडेंट इनटेक। यार स्टूडेंट इनटेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉलेज में। अगर किसी कॉलेज की स्टूडेंट इनटेक ज़्यादा है और किसी कॉलेज की स्टूडेंट इनटेक कम है, तो यार मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा सा कम स्टूडेंट इनटेक वाले कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। क्यों? क्योंकि अगर यार कम स्टूडेंट इंटेक होगी तो यार आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर इतने ज़्यादा बच्चे होंगे, हज़ारों में बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कंपटीशन है, जो कि यार कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती है। अगर कोई बड़ी कंपनी आती है तो यार वो सोच के आती है कि मैं इतने बच्चे को इस कॉलेज से लेके जाऊंगी, तो यार ज़्यादा बच्चे होने से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। अब यार बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर के ऊपर जो कि है फीस और रिटर्न्स। यार अगर आप किसी कॉलेज में फीस देते हैं, ठीक है, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो यार आप मेक श्योर कि क्या आपको वो कॉलेज 4 साल बाद उतने रिटर्न्स देगा। अगर वो कॉलेज आपको 4 साल बाद यार उतने रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात नहीं है। आप 20 लाख की फीस दे रहे हैं, ठीक है, और आपका पैकेज लग रहा है 3-4 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको कितना टाइम, 4 से 5 साल आपको लग जाएंगे वो रिकवर करने में, देन आपकी असली कमाई होगी, समझ रहे हो। तो यार ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रहें, हमेशा जो रिटर्न्स हैं वो फीस के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब रिटर्न्स ग्रेटर देन इक्वल टू फीस होना चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। अब यार बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव जो कि यार कॉलेज लाइफ, कॉलेज एक्सपोजर कैसा है, ठीक है, कॉलेज का कैंपस कैसा है, और यार कॉलेज में क्लब्स और फेस्ट कैसे हैं। यार ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉलेज क्लब्स और फेस्ट से क्या होता है कि अगर कभी भी कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो यार आपको एज अ मैनेज करने के लिए भी दिया जाता है कॉलेज में, जो कि यार कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्किल है। आपकी मैनेजमेंट स्किल कॉलेज लाइफ में ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आपको प्लीज़ देखना चाहिए कि कॉलेज लाइफ कैसी है, आपको कॉलेज में एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, आपके क्लब्स कैसे हैं, आपके फेस्ट कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार एक और पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि भैया एजुकेशन लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यार उसका सिंपल सा आंसर ही है, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देने वाली है आगे चल के, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो यार पहले रिसर्च कीजिए उसके प्लेसमेंट के ऊपर, हमारे रिव्यूज़ देख लीजिए कॉलेज के, काफ़ी सारी रिव्यूज़ हमने प्लेसमेंट्स कवर कर रखे हैं, तो मेक श्योर आप पहले इनको चेक करें, आने वाले टाइम पे और मिलने वाले हैं, तो वो चेक कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मुझे एजुकेशन लोन लेना चाहिए कि नहीं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है, अगर यार आप एजुकेशन लोन लेते हैं और आपको रिटर्न्स बाद में अच्छे नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइज़, हम लोग काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यूज़ बना चुके हैं और यार काफ़ी सारे आने वाले हैं। जेई से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है,
तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन याद से दबा देना, क्योंकि सारी चीजें टाइम पे मिल जाए आपको। और यार कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, हमारी टीम बैठी हुई है आपके सारे आंसर देने के लिए।